दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M40 स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों ये मोबाइल फोन 11 जून को इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जहां पर हमें मोबाइल फोन पर स्नैपड्रैगन 675 का पावरफुल चिपसेट इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फोन पर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी और क्या रहेगी मोबाइल फोन के प्राइस। तो दोस्तों ये जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो दोस्तों गैलेक्सी M40 स्मार्टफोन पर हमें पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिल जाएगा। मोबाइल फोन पर हमें ग्लास बैक और ग्रेडियंट कलर देखने को मिलेंगे। ऐसे में मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप और एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.4 इंच FSD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिस पर हमें एक IPS LCD पैनल भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस पर हमें सुपर AMOLED पैनल देखने को नहीं मिलता है और मोबाइल फोन पर हमें इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मोबाइल फोन पर स्नैपड्रैगन 675 का पावरफुल चिपसेट मिलेगा। वहीं अगर GPU की बात करें तो मोबाइल फोन पर एड्रीनो 620 का GPU भी देखने को मिल जाएगा। और ये मोबाइल फोन हमें दो वेरिएंट्स में मिलेगा, 64GB स्टोरेज और 128GB स्टोरेज के साथ, और माइक्रो SD कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट भी अलग से देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई और सैमसंग की वन UI हमें देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम कैमराज की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिस पर रियर साइड में मेन कैमरा होगा 32 MP का, सेकेंडरी कैमरा होगा 8 MP का जो एक वाइड एंगल सेंसर होगा, और थर्ड सेंसर होगा 5 MP का जो एक डेप्थ सेंसर होगा। ऐसे में अगर हम फ्रंट की बात करें तो 16 MP का एक पंच होल डिस्प्ले के अंदर हमें एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, मतलब पंच होल के अंदर एक 16 MP का सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिल जाए। ओवरऑल दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M40 पर हमें एक बेस्ट कैमरे देखने को मिल जाते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 3500 mAh की बैटरी मिलेगी, जो 15W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, और मोबाइल फोन पर हमें USB-C टाइप पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और सभी तरह के बेसिक सेंसर हमें गैलेक्सी M40 स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाते हैं। बट दोस्तों इस मोबाइल फोन पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे बड़े डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक देखने को नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को दोस्तों दुख होगा कि इस पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक नहीं मिलता है, और दोस्तों इस मोबाइल फोन को बहुत से लोग खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि इस पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक देखने को नहीं मिलेगा। प्राइसिंग की बात की जाए तो दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें 20,000 रुपये के नीचे मिलेगा, मतलब कि मोबाइल फोन का प्राइस हमें 18,000 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये मोबाइल फोन 11 जून को हमें टैग बाजार में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हो कि दोस्तों आपके वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।